आज हमारा बर्थडे भी है। हाँ, आज संक्रांति पर्व है, तो हमारा विजयानंद संक्रांति है, विजयानंद संस्कृति संक्रांति का संक्रांति हमारा पर्व भी है, इस अवसर पर हमारी भी बधाई होती है। हर हर एक साथ दो काम हो रहे हैं, तो आपका भी नाम भक्तों का भी काम संक्रांति पर्व के प्लट पर हुआ है। सुंदर प्रभु का नाम हर हर, आपके जीवन में संक्रांति हो, आपके जीवन में इस समय पर क्रांति आवे, अच्छी क्रांति हो, अच्छा फसल हो, यही विनती करते हैं। क्योंकि गुड़ और तिल इसलिए खाते हैं कि तिल थोड़े कड़वे होते हैं, गुड़ मीठा होता है और ठंड लगती है, और कड़वा मीठा हमारे परिवार में भाव होता है, हमारे घरों में कोई कड़वा होता है कोई मीठा होता है, दोनों मिलके घर को ठीक चला सकते हैं। तो कड़वे और मीठे पर को हम संभाल के चलेंगे तो क्रांति हमारे परिवार में अवश्य आएगी, यही संक्रांति के पर्व का महत्व होता है। इसलिए दूसरा क्या है, चावल, चावल थोड़े ठंडे होते और दाल गर्म होती है, और ठंडी और गर्म से परिवार चलता है। हमारे घर में जो भाव है कोई कड़वे पर का होता है और कोई मीठे पर का होता है, तो मिलके परिवार को चलाएं, समरसता बनाएं, यही इस संक्रांति के पर्व का उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य, इसे हमारी आंखें होती है, एक से आंसू गर्म निकलता है तो एक की ठंडा निकलता है, एक आंख गर्म होती है तो एक ठंडी होती है, ऐसे हमारे परिवार में हम गर्म और ठंडे मिलकर के प्रभु श्री राम जी के तल से अच्छा समझे, जैसे हनुमान जी ने गर्म और ठंडे को दोनों बनाया, जैसे प्रभु श्री राम जी ने राम और लखन, राम जी थोड़े से ठंडे हैं और लखन लाल थोड़े गर्म है, जैसा परशुराम जी ने समझा, तो ठंडे और गर्म दोनों परिवार में हुआ करते हैं। तो क्रांति के पर्व से हम अच्छी समझता लाए, हमारे जीवन में अच्छा एक अंतर आए और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा हो सके, हम सब मिल करके रहे, यही हमारे पर्व की शुभकामना है। वो संक्रांति पर्व की भक्तवत्सल भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। और सतर्कता केवल गाने का नहीं है, समझने का भी है। राम जी की सेना चली एक से एक बली, आगे रघुनाथ है वीर साथ साथ है, तो हम सब राम जी के साथ में चले हैं। इस प्रकार से हमारे घर परिवार में एक अच्छी क्रांति है, देश धर्म की रक्षा हो, समाज की रक्षा हो। हो सकता है कोई क्रांतिकारी हम में से बने राष्ट्र के लिए, तो ऐसे पर्व में हम कुछ अच्छा काम करते रहे, जैसे हमारे क्रांतिकारी अनेक हुए, अभी लोहड़ी पर्व मनाया गया, जिन्होंने क्रांति की, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तो हमें ऐसे क्रांति पर्व से अवश्य शिक्षा लेनी चाहिए। हर 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 महादेव। अब हमारे महाराज जी